अस्सलाम वालेकुम, मैं हसना रेहान खुश आमदीद कहती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको ये डिज़ाइन सिखा रही हूँ। ये बहुत इजी डिज़ाइन है, बस आपको डबल क्रोशिया आना चाहिए और चेन स्टिच आना चाहिए, तो आप बहुत आसानी से बना लेंगे। और इसमें आप स्कार्फ बना सकते हैं, इसके आप शॉल बना सकते हैं बड़ी सी। इसका मेन जो मुझे आपको बताना है वो मल्टीपल 10 स्टिचेस हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप 100 चेन्स की शॉल बना रहे हैं तो मतलब आप 102 की नहीं बना सकते, आपको 100 की बनानी होगी कि 10 10 का पैटर्न चलेगा इस पर, ठीक है। आप 40 की बना सकते हैं, आप 100 की बना सकते हैं, आप 200 की बना सकते हैं, 150 की, मतलब 10 10 10 10 होगा, 40 45 125 इस तरह नहीं हो सकता है। जो भी आपको बनाना है इस प्रोजेक्ट से बड़ा सी कोई शॉल वॉल, तो आपको 10 10 के ही उसमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये एक ब्लॉक 10 के स्टिचेज में बनता है, ठीक है। फिर भी मैं आपको अभी बनाते हुए समझा दूंगी। चलिए जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चेन्स बनाएंगे, ठीक है। मैं अभी ये समझाने के लिए मैं आपको 20 चेन का बना के बता रही हूँ। ये मैंने 30 चेन का बनाया, 30 चेन्स में 1 2 3 4 बॉक्सेस आए हैं। 20 चेन्स में मैं आपको अभी सिखाने के पर्पज़ के लिए, ताकि आपको इजीली सिखा सकूँ, 20 चेन बना लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अच्छा, अब जो भी आप अपने लिए बनाना चाह रहे हैं उसमें मैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि 10 10 के आपको स्टिचेस लेने हैं, उसके साथ ही जो भी, जैसे 140 बना लिए, 150 बना लिए, 50 बना लिए, जितनी भी चेन्स बना ली, उसमें लाजमी 7 चेन्स आपने और ऐड करनी है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 चेन बनाने के बाद हम काउंट करेंगे 4 चेन्स। 1, जिसके अंदर से ये हुक लूप निकला हुआ है, वो पहला काउंट होगा। 1 2 3 4, स्टिक को इस तरह से रैप किया और चौथे चेन में डबल क्रोशिया बना दिया। 1, नेक्स्ट में 1 2, फिर उसके बाद ये 3 और ये इसके बाद 4, ठीक है। क्योंकि हमारी जो पहले जो चेन इसमें टर्न हुई है ये कोने में, ये हमारा एक स्टिच काउंट होगा, तो टोटल हमारे 5 स्टिच काउंट होंगे, ठीक है। उसके बाद हम 5 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 चेन्स बनाने के बाद हम नीचे यहाँ पे ये देखिए ये स्टिच बना हुआ है, इसके बाद से 1 2 3 4 5 और छठी चेन में देखें 1 2 3 4 5 और 6th चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2, फिर नेक्स्ट में 3, फिर नेक्स्ट 3, टोटल 5 बनाने हैं हमने डबल क्रोशिया। 4 और ये 5, ठीक है। फिर से 5 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और काउंट करेंगे जहां से आपने लास्ट स्टिच डाला, उसके बाद से 1 2 3 4 5 और छठे चेन में ये डबल क्रोशिया अगली 4 और चेनों तक। 1 हमने कर लिया, अब और 4 में करेंगे तो टोटल हमारे पास 5 डबल क्रोशिया आ जाएंगे। तीन, चार और 5, ठीक है। फिर एक चेन बनाएंगे और इसको हम कट करेंगे। ये देखिए, ये आपका पहला, तौबा, शादियां हुई नहीं, बस पटाखे।
ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपका ये रेडी हो जाएगा पीस। अब हम सेकंड कलर मैं आपको बता रही हूँ। हाँ भाई, पटाखे ख़त्म हो गए हैं जी, और हम चल रहे हैं फिर से सेकंड कलर भी। आप जो भी लेंगे वही, हमने जैसे मैंने 20 चेन का बताया, आप 100 चेन भी बना रहे हैं तो वही पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, यानी ये वाला जो बनाया है मैंने 4 मिलीमीटर कुरेशी हुक का बनाया हुआ है। ठीक है, और 20 बनाने के बाद हमने 7 चेन्स और, जैसे कि मैंने आपको कहा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, फिर हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, फोर्थ चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, 1, फिर उसके बाद 3 और, तो टोटल 4, क्योंकि हमारी जो चेन फोल्ड हो जाती है शुरू में, मैंने आपको वही बताया कि वो हमारा पहला डबल क्रोशिया होगी, 3 और ये 4। ठीक है, 4 चेन्स आपने बना ली। अब आप फिर से 5 चेन्स बनाई, सॉरी 4 डबल क्रोशिया आपने बना ली, फिर से हम 1, 2, 3, 4, 5 हमने ये चेन्स बना ली हैं। ठीक है, 5 चेन्स बनाने के बाद अब आपने क्या करना है कि ये इस तरीके से इसको रखा। अब ये वाली जो हमारी चेन है इसको हम इस बॉक्स स्पेस के पीछे से लाएंगे और दूसरे बॉक्स स्पेस के ऊपर से फिर ये पीछे ले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। अब क्या करेंगे, वैसे ही हमने दोनों को पकड़ा साथ और काउंट करेंगे 6 चेन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6। छठी चेन में आपने डबल क्रोशिया करना है 5। ठीक है, उसी चेन में नहीं, मतलब एक एक चेन में करना है 5। तो 1, फिर नेक्स्ट चेन में 1, 2, 2 हो गए, 3, 4 और 5। ठीक है, ये देखें, फिर से 5 चेन्स बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। फिर हम काउंट करेंगे स्टिचेस, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। छठे स्टिच में हमने, अब ये देखिए ये ऑटोमेटिकली पीछे आ रहा है काम हमारा, छठी चेन में ये हमने डबल क्रोशिया कर लिया। आप चाहें आप यहाँ पे स्टिच मार्कर भी लगा सकते हैं ताकि आप जब काम कर रहे हो तो आपका जो है वो चेन निकल नहीं जाए, और मेक श्योर कीजिएगा कि चेन आपकी एक ही पोजीशन में हो, चेन ट्विस्ट ना हो, वरना पूरा काम ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट हमने डबल क्रोशिया कर लिया, एक चेन बनाई और ये हमने थ्रेड को कट कर दिया, ये देखें। ठीक है, ये इस तरीके से एक दूसरे के अंदर इसको एडजस्ट करेंगे। मैं थर्ड रो आपको फिर से एक दफ़ा बता रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि उसमें से हमने ये, जैसे कि हमने पीछे से हम इसको रखा और पीछे से हम ये स्पेस में से इस चेन स्टिच को लाए थे, फिर ऊपर, फिर ये बैक पे चला गया। अब इसके बाद वाली रो में हम ऊपर से चेन लाएंगे, फिर बैक से, फिर ऊपर से आएगी, फिर जो आएगा वो बैक से आएगा, फिर ऊपर से, तो इस तरीके से थोड़ा सा ख्याल करना है। तो इसी वजह से मैं आपको एक और राउंड बता रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए कि मैं क्या कह रही हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, और फिर 7 चेन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर रैप किया
वन टू थ्री फोर, फोर चेन में डबल क्रोशिया, एक उसके बाद वाली में ये दो, फिर ये उसके बाद वाले में तीन, फिर उसके बाद वाले में और ये चार हो गए। वो जो चेन फोल्ड हुई उसके साथ हमारे पांच डबल क्रोशिया हो गए, एक दो तीन चार पांच, ठीक है। फिर से इसको आप ऐसे रखेंगे। अब जो मैं आपको बता रही थी कि पहले जब हमने ग्रीन वाला रखा तो मैं बॉक्स के पीछे से चेन को निकाल के लाई थी, अब राउंड थ्री में हम बॉक्स के ऊपर से इसको लेके जाएंगे चेन को पीछे, तो ऑटोमेटिकली पिंक ऊपर आ गया कोने वाला, ठीक है। और देखिए जैसे पिंक पीछे है ग्रीन ऊपर है, तो फिर से पिंक पीछे जाएगा और फिर ये वाले से हम इसको पिंक को बाहर निकाल लेंगे, ये इसमें फर्क आएगा बस। क्योंकि जब आप इसको देखते हैं 3D लगता है, ये देखें इसमें ये ऊपर है ये दो नीचे हैं, फिर इस तरह से पिंक एक दो तीन ऊपर आ रहे हैं, ये पिंक एक दो तीन नीचे जा रहे हैं, ठीक है। ये मुझे आपको समझाना था। और इसी तरीके से ये बस आप बनाते जाएं, फिर से वही डबल क्रोशिया आपने करना है, एक दो तीन चार पाँच छः, छठे चेन में एक, और फिर उसके बाद ये दूसरे में तीन चार और ये इसके बाद पांच। ये देखिए चेन जिस तरह निकल आती है, तो आप इसको सिक्योर कर सकते हैं स्टिच मार्कर से, ठीक है। ये पांच, फिर से पांच चेन्स बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, और यहाँ पे फ्रंट पे आएगा काम, ठीक है। मेक श्योर चेन टेढ़ी ना हो, एक दो तीन चार पांच, ये छठे चेन में हमने दो, तीन, चार और ये पांच। जब आपका प्रोजेक्ट पूरा हो जाए आप इसके एंड्स को जो हैं वो सीलें, ताकि ये सारे धागे सिल जाएं। दूसरा कि आप चाहें आप इसको वैसे छोड़ सकते हैं, वरना आप चाहें तो ये जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो तो यहाँ एक एक टांका मार सकते हैं इनको जॉइनिंग देने के लिए, ताकि ये आपका काम ऐसे रहे। अगर चाहें आप इसको वैसे ही ढीला इस तरह से छोड़ सकते हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, ये बस यहाँ वहाँ एडजस्ट होते रहेंगे, ठीक है। आप ऐसे छोड़ना चाहते हैं ऐसे छोड़ दें, आप चाहें तो आप इस पर एंड में स्टिचेस लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि जब मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको अपडेट मिल जाए कि मैंने न्यू वीडियो अपलोड कर दी है। मेरी वीडियो को अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।